चार धाम यात्रा 2024 के लिए उत्तरकाशी पुलिस ने तैयारियां पूरी कर ली है। यात्रा के सुगम, सुरक्षित और सफल संचालन के लिए पुलिस द्वारा की गई व्यवस्थाओं के संबंध में पुलिस अधीक्षक अर्पण यदुवंशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं को सरल और सुरक्षित यात्रा करवाना उत्तरकाशी पुलिस की प्राथमिकता है। सुखद, सुगम और सुरक्षित कराने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। जो पिछले साल के अनुभवों को लेकर जो हमने बॉटल नेक्स थे वो हमने चार्ट आउट किए हैं और ऐसे 6 रूट हमने चिन्हित किए जहाँ पे जाम लगने की बहुत शिकायत होती थी। जैसे मैं आपको 2-3 रूट बताऊँ तो सैना चट्टी के ऊपर जानकी चट्टी तक और इधर इस रूट पे गंगानी से लेके सुखी टॉप तक थोड़ी जाम की शिकायत रहती है क्योंकि वहाँ पे रोड जो है बहुत बहुत ही सकरा है और 2 बसों को पास होने के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है वहाँ पे। तो इसलिए हमने इस बार वहाँ पे गेट सिस्टम जो है 1-वे सिस्टम चालू करवाया है ताकि एक जगह गाड़ियों को रोका जाए और दूसरी साइड की गाड़ियाँ निकाली जाए और फिर दूसरे गाड़ियों को रोक के इधर की निकाली जाए। तो ये इस तरह का जो है सिस्टम इस बार भी चालू होगा। इसके अतिरिक्त जो है यहाँ पे ड्रोन से भी हम जो है ट्रैफिक की निगरानी करेंगे ताकि जो है हमको क्लियर पिक्चर आ सके ट्रैफिक जाम की।